हेलो एवरीवन, तो मैं आज आई हूँ दिल्ली हाट मार्केट। मैं यहाँ का फुल टूर विज़िट कराऊँगी। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको एक टिकट लेना होगा। 30 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होगा, यानी एक पर्सन का 30 रुपये टिकट होगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, काफ़ी फैशनेबल मार्केट है। और आप देख सकते हैं इसमें भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, और यहाँ पर आप छोटे बच्चों से लेके अपने बड़े बहन भाई मॉम वगैरह किसी के साथ भी आ सकते हैं। मैं यहाँ अपनी अम्मी के साथ में आई हूँ, और इसे इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया है तो आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्फी रील्स वगैरह बना सकते हैं, यानी सेल्फी पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। 30 रुपये का टिकट है ये एक इंसान का, और मैंने 30 रुपीज़ में दो टिकट ले लिए हैं, यानी 60 रुपीज़ में दो टिकट ले लिए हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो हैं कपड़े वगैरह मिलते हैं, यानी इस एक मार्केट में दिल्ली हाट में आपको इंडिया के सारे स्टेट के जो हैं स्टॉल मिल जाएंगे, यानी हर स्टेट के कपड़े और सारा सामान स्टेट वाइज मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में जो कपड़े होते हैं वो कैसे पहने जाते हैं वो मिलेंगे, बिहार में किस टाइप के कपड़े वगैरह पहने जाते हैं वो मिलेंगे, तमिल और गुजरात राजस्थान हर तरीके के कपड़े आपको इस मार्केट में मिलेंगे। और स्टॉल देखिए कितने प्यारे कॉटन के स्टॉल हैं, और यहाँ पे पश्मीना यानी कश्मीर टाइप के स्टॉल भी हैं, कश्मीरी कपड़े भी हैं। देखिए मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ, यहाँ की आर्ट यानी ड्राइंग, और यहाँ की लकड़ी के बर्तन जो कि बहुत यूनिक है, कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर ये सामान है। ये की चैन कितना ज़्यादा प्यारा है आप देख सकते हैं। इस मार्केट में आपको सारा सामान मिलेगा, हर स्टेट का सामान आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर कुछ है ये कश्मीरी टाइप का। तो देखिए कश्मीरी फ्रॉक है ये, काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसका जो प्राइस है वो इन्होंने 1000 बताया था, लेकिन बार्गेनिंग करने पर ये 900 रुपये में राज़ी हो गए। तो देखिए कितनी अच्छी फ्रॉक है ये। ये सर्दियों के कपड़े मिल रहे हैं इस टाइम, और ये देखिए आप कितना अच्छा गर्म सूट है ये, 1200 रुपये की रेंज में। और यहाँ पर बहुत सारा जो है ज्वेलरी वाला सामान भी मिल रहा है, बैग्स वगैरह देखिए कितने प्यारे प्यारे बैग्स हैं यहाँ पे, ये सब लेदर के बैग हैं, यानी बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाइज सामान मिलता है। देखिए लेदर के ये सभी लेदर के बैग थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे। और यहाँ पर देखिए ये साड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मार्केट के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, यानी आप छोटे बच्चों को लेकर भी आ सकते हैं इस मार्केट में, आराम से बच्चे टहल के घूम सकते हैं, और बड़े भी आ सकते हैं। अगर आपको जैसे सरोजनी वगैरह मार्केट है उसमें भीड़ बहुत रहती है, तो वहाँ तो आप ले ना जाएँ बच्चों को, बड़े बड़े ही लोग जाएं। तो देखिए यहाँ पे लखनवी कुर्तों की कितनी बड़ी शॉप है, और यहाँ पे लखनवी टॉप कुर्ते, कॉटन के कुर्ते, जॉर्जेट में कुर्ते, और बहुत अच्छी कढ़ाई वाले, हैवी कढ़ाई वाले, सिंपल कढ़ाई वाले, और यहाँ पे लखनवी सूट भी हैं इनके पास में। बहुत ही अच्छे कुर्तों की ये शॉप थी। और यहाँ पर देखिए बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ियों की शॉप है, और ऐसी बहुत सारी शॉप है जहाँ पर डिफरेंट टाइप की बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं। मैंने इस साड़ी का प्राइस पूछा था तो उन्होंने 2500 रुपये बताया, और इन सूटों का प्राइस 1200 बताया इन्होंने, यानी हर तरीके से आपको अलग अलग तरीके की जो है प्राइस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए टॉप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इसका प्राइस है 800 रुपये प्राइस है इस टॉप का, और इसमें कि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के टॉप हैं, अलग अलग कलर के, कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और भी बहुत सारे कलर हैं, और प्रिंटेड भी हैं, नॉन प्रिंटेड हैं, एकदम सिंपल वाले भी हैं, और लाइट कलर वाले भी हैं, डार्क कलर वाले भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास टॉप हैं। पर ये विंटर के कपड़े हैं, यानी सर्दियों के कपड़े हैं,
जब आप इस मार्केट में गर्मियों में आएंगे तो यहाँ पे गर्मियों कपड़े मिलते हैं, और किसी फेस्टिव सीज़न पे आएंगे यानी किसी फेस्टिवल पे आएंगे तो आपको फेस्टिवल के यानी त्यौहार के कपड़े मिलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से एकदम डेकोरेटेड ये मार्केट है, बहुत ही मुझे बहुत मॉडर्न लगती है और सामान भी बहुत ही यूनिक है यहाँ पर। और इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर हैंडमेड सामान मिलता है, यानी सब कुछ इनके खुद के हाथों से बनाया हुआ होता है। देखिए यहाँ पर ये माला बटर माला वगैरह हैं, और यहाँ स्टॉल देखिए कश्मीरी शॉप है, यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हैं कश्मीरी, बहुत ही लाइट वेट होते हैं और बहुत ही प्राइस थोड़े ज़्यादा से होते हैं इनके, नॉर्मल स्टॉल जो हम यूज़ करते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं स्टॉल। और अब हम थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कश्मीरी कुर्ते हैं, अलग अलग कलर के कश्मीरी टॉप हैं, कश्मीरी शॉल हैं, इस टाइप के टॉप भी हैं कश्मीरी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा सामान है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए फ्रॉक टाइप के सूट हैं कश्मीरी, यहाँ पे अलग अलग स्टेट वाइज कपड़े भी हैं, लाइक तमिलनाडु, लद्दाख, केरला, सबके अपने अपने स्टॉल लगे हुए हैं, यानी सारे स्टेट का सामान आप ये देख सकते हैं। ये मधुमक्खी जो होती है वो उसको बना रखा है यहाँ पे, यानी जो बी होती है उसको बना रखा है उसका स्ट्रक्चर। यहाँ भी लखनवी कुर्ते की वो है शॉप है, देखिए पूरा सूट है इसमें, ये कुर्ता है और इसके नीचे प्लाजो है और दुपट्टा भी अटैच है, आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं कुर्ता और चाहें तो प्लाजो के साथ भी ले सकते हैं। ये सूट काफ़ी अच्छा लगेगा अगर पूरी तरीके से पहना जाएगा तो। तो अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी कपड़े मिल रहे हैं। यहाँ पर कश्मीरी फ्रॉक मिल रही है, टॉप मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं कश्मीरी। मैं इस मार्केट में कम से कम 4 से 5 बार आ चुकी हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। रिलैक्स होकर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने जल्दीबाजी में कोई चीज़ ख़रीदनी है, आप आराम से आइए ख़रीदिए। देखिए कितने प्यारे यहाँ पर बनारसी सूट हैं, और इनके पास और भी अच्छे अच्छे बनारसी सूट हैं तो वो भी आप ले जा सकते हैं यहाँ से आके। ये कश्मीरी कुर्ता है, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉरेन से भी लोग आते हैं, यानी अलग अदर कंट्रीज़ के लोग भी इस मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेनर्स भी होंगे इस मार्केट में। तो देखिए टॉप कितना प्यारा लग रहा है ये, ₹600 के टॉप है, यानी इसका प्राइस है ₹600 और काफ़ी अच्छे टॉप है ये, कलरफुल टाइप के। ये वाला टॉप देख सकते हैं कॉटन में, इसका प्राइस भी ₹600 है। और ये तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है, और देखिए कुछ इस टाइप से डेकोरेटेड ये मार्केट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बैग हैं, ये सब लेदर के बैग हैं इसीलिए इनके प्राइस भी जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। कुछ ही बैग होंगे जो नॉर्मल होंगे, बाकी सब लेदर वाले बैग होते हैं, तो 1500-2000 प्राइस इनके होंगे और इससे भी ज़्यादा प्राइस के इनके पास बैग हैं। कुछ इस तरीके की मार्केट है, आप खुद देख सकते हैं कितनी प्यारे से डेकोरेटेड मार्केट है ये, और सामान भी सारा क्वालिटी वाइज है। बच्चों के कपड़े भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बड़ों के कपड़े भी यहाँ पर मिलेंगे, सबके कपड़े आपको एक ही मार्केट से मिल जाएंगे, आपको अलग अलग मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
देखिए मैं ऐसे ही टहल रही हूँ और सामान थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ, और मुझे मार्केट बहुत पसंद है क्योंकि इसकी देखिए डेकोरेशन भी कितनी प्यारी लग रही है। और जो मैंने आपको बनारसी सूट दिखाए थे उनके प्राइस थे 2500-2500 रुपये, यानी थोड़ी सी बार्गेनिंग अगर आप करेंगे तो आपको कम में भी मिल जाएगा। और देखिए इस तरीके की फ़्रॉक भी है ये, जैसे तमिल वगैरह चाइनीज़ टाइप के लोग पहनते हैं। अब ये बच्चों की फ़्रॉक है 400-400 रुपये की प्राइस में, और यहाँ पर ये लद्दाख के कपड़े हैं, ये लद्दाख में कुछ इस टाइप से कपड़े पहने जाते हैं। और जो कपड़े होते हैं ना उनके ऊपर ज्वेलरी टाइप की होती है, देखिए कुछ इस टाइप से लगेगा पहन के, जैसे फोटो उन्होंने दिखाया हुआ है। पहले तो मैं कंफ्यूज थी कि कपड़े पहनते कैसे होंगे जब इसमें इतना सब कुछ लटका पड़ा है सामान वगैरह। तो ये कितने प्यारे प्यारे डिजाइन के सामान है यहाँ पे। फिर से लखनवी कुर्तों की शॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर जगह जगह पर खाने का सामान भी मिल रहा है ताकि आप भूखे ना रहें, खाते रहें, मन लगा रहे आपका काम में, एक्सप्लोर करने में चीज़ों को। और यहाँ पर आपको एक बीच में एक मतलब इस टाइप की चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्लास्टिक यानी ये लकड़ी से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, और इस टाइप से पूरा इससे आप घर में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। और यहाँ ये लकड़ियों की देखिए ये सब है, लकड़ियों से बना हुआ सामान है ये। और यहाँ पे लद्दाख की और भी चीज़ें हैं, लद्दाख की पेंटिंग है देखिए, तो आप ऐसी पेंटिंग लद्दाख की ले जा सकते हैं। तो देखिए लद्दाख की पेंटिंग है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। देखिए ये अपने हाथों से बना रही हैं इसको, ये अपने हाथों से इसको बुन रही हैं, और इन्होंने खुद अपने हाथों से बुन के ये सारी चीज़ें बनाई हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चों के यहाँ पर ये देखिए सब अपने हाथों से बुन रही हैं ये, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अपने हाथों से बनाना इन चीज़ों को, तभी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये सारा सामान हैंडमेड होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हैंडमेड मार्केट है इसीलिए इसके प्राइस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको इस मार्केट में मिलेंगी ये सब इन्होंने खुद की होंगी इनकी। खुद की बनाई हुई। तो देखिए यहाँ पे स्टॉल मिल रहे हैं, ये बच्चों के टॉयज मिल रहे हैं, बच्चों के बैग मिल रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। यहाँ पर्स मिल रहे हैं ताकि आप कॉलेज के लिए ऑफिस के लिए पर्स ले जा सकते हैं यहाँ से। ये सैंडल देखिए कितने प्यारी प्यारी जूतियाँ हैं। ये जूतियाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं, इनके प्राइस हैं 700-700 रुपये, 700-700 रुपये की रेंज में यहाँ पर हैं। देखिए 700-700 रुपये की रेंज में यहाँ पर ये सैंडल मिल रहे हैं, बहुत अच्छी ये शॉप थी जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी, और यहाँ का फुटवियर कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। चलिए कुछ और भी एक्सप्लोर करते हैं हम इस मार्केट में।
यहाँ पर एक किचन के आइटम्स मिल रहे हैं, जैसे कि डोंगा वगैरह मिल रहा है, बाउल वगैरह मिल रहा है, और यहाँ पर यू नो इस टाइप की ये जो होती है ना, जैसे अगर आपने कोई भी पेट रखा हुआ है सपोज दैट, तो आप उसके गले में बांध सकते हैं। इनके पास छोटी छोटी भी हैं और बड़ी बड़ी भी हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको एक छोटा सा ये मिरर, ये ले रख सकते हैं आप अपने पर्स में। देखिए कितना छोटा सा मिरर है, इसे आप पर्स में रख सकते हैं। और इनके पास छोटी सी एक डायरी भी है, और बहुत ही अच्छा अच्छा सामान इनके पास है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मार्केट में विजिट करके हमें। तो देखिए यहाँ पे ये चेक की शर्ट का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर इस टाइप की ड्रेसेस भी हैं। मतलब यहाँ का जो सामान है, जैसे नॉर्मली बाइज हम लोग पहनते हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे सिंपल कुर्ते पहने जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आप किसी और स्टेट में जाएंगे, कुर्ते के ऊपर एक हल्की सी कोटी भी होगी इस टाइप से, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फैशन होगा। और अब मैं आपको एक ऐसी शॉप पर लाई हूँ जहाँ पर आपको बैग का कलेक्शन लाजवाब लगेगा। ये देखिए ये वाला पर्स कितना ज़्यादा यू नो हैवी है, और अगर आपने इसे गरारे वगैरह पे पहन लिया ना, तो गरारे में चार चांद लग जाएंगे। यानी हैवी सा गरारा हो और ये पर्स अगर आपने ऊपर से डाल रखा हो, तो उसकी अलग ही बात है। सारे पर्स के अलग अलग प्राइस हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे पर्स इस शॉप पर मुझे देखने को मिले, एंड मैं बहुत अट्रैक्टिव भी हो गई उन पर्सों से। तो मैंने खूब सारी बढ़िया से वीडियो बनाई, ताकि आप इस मार्केट में जब आएँ तो आप अपने आप को बोर फील ना करें। यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, सेलेक्टेड आइटम्स। तो देखिए यहाँ पे इयररिंग का कलेक्शन भी लाजवाब है। यहाँ का देखिए इयररिंग, कितनी प्यारी इयररिंग का कलेक्शन है। और इनके पास बहुत ही अच्छी पायल हैं, रिंग्स हैं, देखिए कितने प्यारे इयररिंग का कलेक्शन है। और देखिए यहाँ के जो पर्स वगैरह का कलेक्शन देखिए कितना अच्छा है। ये शॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये शॉप, इसलिए मैंने इसको पूरी शॉप को मतलब कवर किया है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं कपड़े भी हैं। ये ब्रेसलेट है, और आप मुझे एक बात कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस मार्केट में पहले आए हैं या नहीं आए, ये बात आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप इस मार्केट में नहीं आए हैं, तो एक बार मेरे कहने से आप इस मार्केट को एक्सप्लोर करिए, डेफिनेटली आपको ये मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत कुछ यहाँ पे डेकोरेशन का सामान है, आप डेकोरेशन के लिए यहाँ से बहुत सारा सामान ले जा सकते हैं। और इस तरीके के यहाँ पे कुर्ते वगैरह मिल रहे हैं बहुत अच्छे कॉटन में। और यहाँ पर ये स्टॉल देखिए कितने प्यारे हैं। तो देखिए जगह जगह पर यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, जगह जगह पर यहाँ पर डेकोरेशन का सामान है, फुटवियर है,
बैग्स वगैरह की शॉप है, सब कुछ आपको एक ही मार्केट से मिल जाएगा। और अब मैं दिखाती हूँ आपको और भी यूनिक चीज़ें, जैसे कि ये प्लेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, कितने अच्छे अच्छे बाउल मिल रहे हैं यहाँ पे, कितने अच्छे अच्छे प्लेट मिल रहे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं ये, आप इसे घर पे ले जा सकते हैं। और कितने प्यारे प्यारे बाउल हैं यहाँ पे, और ये है अकबर की सेना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे ये हाथी हैं, बहुत ही अच्छे हाथी हैं ये, और बहुत ही अच्छे अच्छे बाउल हैं यहाँ पे, ग्लास हैं, कप है यहाँ पे, देखिए कप का कलेक्शन कितना अच्छा है। देखिए यहाँ कप का कलेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा यू नो प्रेटी कप है यहाँ पे, इन्हें भी आप यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये शॉप थी, यानी अब मैंने पूरा जो है ये दिल्ली हाट मार्केट को विज़िट कर लिया है। और यहाँ पे सारे स्टेट के जो हैं स्टॉल हैं, इसके साथ साथ सारे स्टेट के यहाँ पर रेस्टोरेंट भी हैं, जितने भी स्टेट कंट्री में है हमारी, सारे कंट्री मतलब सारे स्टेट हैं, सारे स्टेट का रेस्टोरेंट भी यहाँ पर हैं। मतलब खाना पूरे इंडिया में जहाँ भी जो खाना मिलता है वो आपको इस एक ही जगह पर दिल्ली हाट में सारा खाना मिल जाएगा, सारे फूड आइटम, सारे डिशेस। और यहाँ पर थोड़ा ये सेल्फी पॉइंट था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर हल्की सी वीडियो बना लेती हूँ अपनी। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी हमें। तो देखिए मैंने जो है दिल्ली हाट को एक्सप्लोर कर लिया है, और मैंने आपको यहाँ के ये रेस्टोरेंट वाला एरिया है, और अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये इवेंट वगैरह होते हैं। देखिए लद्दाख का यहाँ पे इवेंट हुआ था। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, डेकोरेशन की एक्चुअल शॉप में दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर डेकोरेशन का एक्चुअल सामान मिलता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा सामान यहाँ पर आपको डेकोरेशन का मिलेगा इस मार्केट में, ये सामान आपको बाकी किसी मार्केट में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बहुत अच्छा सामान है। देखिए कितना अच्छा अच्छा सामान है डेकोरेशन का। और यहाँ पे जो है फॉरेनर आते हैं, और देखिए तो यहाँ पे आप डेकोरेशन का सामान यहाँ से ले जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टैचू वगैरह भी हैं। ये देखिए कितनी प्यारी हैं, और यहाँ पे फिर से आ गई है लखनवी कुर्तों की शॉप। सच में यार मुझे भी लखनवी कुर्तों का बहुत शौक है, और मेरे पास सच में बहुत सारे कुर्ते हैं, लखनवी लखनवी टॉप हैं, मेरे पास भी लखनवी का काफ़ी सारा कलेक्शन है। और अब आ गए हैं हम जहाँ पर नागरे मिल रहे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे नागरे हैं ये सबके अलग अलग प्राइस हैं, वैसे सारे जो नागरे के 600 से 700 रुपए तक के प्राइस हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे नागरे हैं, छोटे बच्चों वाले भी हैं, बड़ों वाले भी हैं।
तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और नया अच्छा सा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉप हैं इस मार्केट में। देखिए ये वाली ड्रेस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, ये भी लद्दाख वगैरह की ड्रेस है। ये कश्मीरी कपड़े हैं, तो देखिए यहाँ पे लखनवी कुर्ते कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे प्यारे लखनवी कुर्ते हैं, लखनवी फ्रॉक हैं, लखनवी टॉप हैं। यानी इस मार्केट में आपको लखनवी का कलेक्शन, सच में एकदम परफेक्ट वाला कलेक्शन लखनवी कुर्ते का आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। और अब मैं इस मार्केट से जा रही हूँ, यानी निकलते टाइम मैं शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप हो गई थी वो मैं शूट कर रही हूँ। और मैं आपको अब ये दिखा रही हूँ कि मार्केट एक्चुअल में है कैसी दूर से देखने में। और सामान भी यहाँ पे सभी तरीके का मिलता है, ये ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पर सारा सामान मिल रहा है, बैग्स वगैरह की शॉप है। और एक चीज़ मुझे आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखानी है, मैं उसे ही ढूँढ रही हूँ एक्चुअली। तो देखिए यहाँ बनारसी साड़ी, देखिए कितनी प्यारी प्यारी बनारसी साड़ी है, ये वाली काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रिंट भी काफ़ी अच्छा हो रखा है इस पे। मैं एक लकड़ी की बर्तनों की शॉप ढूंढ रही हूँ, 2500 रुपए की ये साड़ियाँ हैं। यहाँ लखनवी कुर्तों की शॉप है, यहाँ लखनवी टॉप वगैरह टंगे हैं, फ्रॉक हैं लखनवी, यानी लखनवी का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लकड़ी का सामान है, लकड़ी वगैरह की ट्रे हैं। तो देखिए लखनवी ये लकड़ी के सारे बर्तन हैं यहाँ पे, देखिए लकड़ी के यहाँ पे ये बाउल हैं, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए आप प्लास्टिक वगैरह के बर्तन लेते हैं, यहाँ पे आप इसे ले जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा सामान लकड़ी का मिल रहा है, कितनी अच्छी टेबल है लकड़ी की, यानी सारे वुडन आइटम है ये। और अभी मैं पूरी आपको एक ऐसी मार्केट में एक ऐसी पूरी गली टाइप की है, एक ऐसी शॉप्स का पूरा, जहाँ पे लकड़ी का ही सारा सामान मिलता है, लकड़ी की बोटल्स मिलती हैं, यानी सारे वुडन आइटम हैं। तो उन्हें ही जस्ट मैं ढूंढ ही रही हूँ, तो मुझे वो मिल नहीं रही है। उस शॉप को ढूंढ रही हूँ मैं जहाँ पे लकड़ी के सारे सामान मिलता है, और वहाँ से आप बहुत कुछ परचेज करके ले जा सकते हैं। पर ये मार्केट बहुत बड़ी है, तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते कुछ बीच में जो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं वो भी मैं आपको दिखाती रह रही हूँ। यहाँ 2000-2500 रुपए के बनारसी सूट मिल रहे हैं, यहाँ पर ये लखनवी ड्रेस है, स्टॉल है यहाँ पे, कश्मीरी स्टॉल है, कश्मीरी कुर्ते हैं। देखिए यहाँ पे लकड़ी का सामान मैं जस्ट ढूंढ ही रही हूँ। तो देखिए कितना प्यारा सूट है ये, वाइट कलर के सूट का कलेक्शन भी काफी अच्छा है यहाँ पे। यस, तो मुझे मिल गया है मेरी
वही वही जो मैं ढूंढ रही थी। तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ गई हूँ मैं लकड़ी के सामान के पास में। तो देखिए यहाँ पर ये लकड़ी का सामान देख सकते हैं आप, लकड़ी की बकेट, बास्केट एंड बोटल्स और सारा वुडन आइटम है ये। ये सारी चीज़ें जो हैं लकड़ी से बनी हुई हैं। और देखिए कितने प्यारे प्यारे पर्स हैं ये, ये सब लकड़ी के बने हुए हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। इसका प्राइस जो है 400 रुपये है। और भी बहुत प्यारे प्यारे ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा है ये, तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, सारे वुडन आइटम हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो देखिए लकड़ी के बड़े बड़े बाउल हैं, बास्केट हैं, ये देखिए ट्रे हैं यहाँ पे, यहाँ पर ये बोतल है लकड़ी की, ग्लास है, देखिए ग्लास है लकड़ी के। और इन चीज़ों को परचेज़ करने से एनवायरनमेंट एकदम क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हम प्लास्टिक वगैरह के सामान यूज़ करते हैं, इससे उससे हमारे जो एनवायरनमेंट होता है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप हमेशा वुडन आइटम लें जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहे एंड सिक्योर रहे। तो यहाँ पे लकड़ी के गिलास हैं और बॉटल्स वगैरह हैं, यानी सारे वुडन आइटम्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा सामान है। चेयर वगैरह हैं और यहाँ पे सीनरी देखिए कितनी प्यारी प्यारी सीनरी है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव सीनरी है। तो देखिए कुछ, अब मैं काफ़ी ज़्यादा दिल्ली हाट को विज़िट कर लिया है मैंने, और मैं जस्ट यहाँ से जा रही हूँ। और एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत अच्छी मार्केट है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ और एक्सप्लोर करें। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि देखिए आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि लोग कितने आराम से यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, बहुत ही आराम से इस मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है सामान के, सामान क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मिला मुझे एक बचपन का आलेखन टाइप का, जो कि जैसे मैं बचपन में ड्राइंग में उस आलेखन को बनाती थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर घूम के। सो एंड आई होप आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखा आपने मेरा वाला आलेखन जो कि मैं अपने ड्राइंग में बनाती थी, ड्राइंग के पेपर में, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हैंग आउट करने वाला प्लेस भी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आराम से आओ, घूमो फिरो, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। तो ये इस मार्केट का नाम है दिल्ली हाट। इसे आने के लिए आपको इसका नियर बाई मेट्रो स्टेशन है दिल्ली हाट, दिल्ली हाट INA। तो दिल्ली हाट INA से जब आप आएंगे तब इसके नियर बाई ये मार्केट है, तो ये आने का तरीका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।